me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Like the color of your eyes. Blue is your heart. It's been like that from... Good morning guys, welcome back and you are watching Traveling Bongs. तो इस बार हम लोग अब टाइटल से पढ़ के आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस बार हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं. तो हम लोग जा रहे हैं दापोली, जो कि महाराष्ट्र में है, और वहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत बीच है. स्पेशली पुणे आपको एक्सप्लोर करना है तो मॉनसून इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट. और यहाँ पे आपको इतनी ग्रीनरी मिल जाती है देखने के लिए, इतना आई सूदिंग हो जाता है महाराष्ट्र, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. वेलकम टू अनसीन महाराष्ट्र व्लॉग. और इस व्लॉग में हम आप सबको लेके चल रहे हैं दापोली. पुणे से दापोली का डिस्टेंस है लगभग 200 किलोमीटर्स, और अगर आप मुंबई से आते हैं तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट रहेगा 217 किलोमीटर्स. बाई रोड जाना रिकमेंडेशन इसलिए रहेगा क्योंकि ऐसी सीनिक व्यू आप इंजॉय करते हुए जा सकते हैं. लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप जाना चाहें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है. अगर आप मुंबई से ट्रेन से ट्रैवल करना चाहें तो खेर होने वाला है आपका लास्ट स्टेशन, वहां से आपको दापोली के लिए बस लेनी होगी. पुणे से दापोली के लिए कई सारे रूट आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमने लिया है तामिनी घाट वाला रूट क्योंकि मॉनसून में तामिनी घाट बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है. और अगर आपको महाराष्ट्र की बारिश एंजॉय करना है तो तामिनी घाट इज़ द बेस्ट रूट टू चूज़. जिन लोगों को तामिनी घाट के बारे में नहीं पता है, मैं उनके लिए बता दूँ, तामिनी घाट एक माउंटेन पैसेज है जो महाराष्ट्र में मुल्शी और तामिनी के बीच में है. मॉनसून में तामिनी घाट फेमस है इसके वाटरफॉल्स, स्ट्रीम्स, लेक, घने जंगल और सीनिक व्यू के लिए. तो अगर आप लोग भी हमारे जैसे इन सब चीज़ों के दीवाने हैं तो तामिनी घाट को आपके बकेट लिस्ट में ऐड करना ना भूलें. हम लोग जिस रिसोर्ट में रुके हैं उस रिसोर्ट तक जाने का रास्ता बहुत ही नैरो है. एक टाइम पे एक ही गाड़ी आ सकती है या जा सकती है. और अभी आगे सारे दुकानें बंद हैं. हम लोग गए थे थोड़ा शॉप में. ये है वो प्रॉपर्टी और ये इसका एंट्री गेट है. और वहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीमलैंड इन रिजॉर्ट. प्रॉपर्टी काफ़ी स्पेशियस है, बहुत ही बड़ा है. दोनों साइड में आप देख सकते हो ग्रीन ग्रीन दोनों साइड. बहुत ही बड़ा गार्डन है और यहाँ पे बीटल ट्री, पाम ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, बहुत सारे पेड़ हैं.
प्रॉपर्टी काफ़ी खूबसूरत है और सबसे नज़दीक बीच से ये प्रॉपर्टी है, बीच के सबसे नज़दीक वाला प्रॉपर्टी अभी तक का जितने भी 3-4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा उसमें से ये वाला बीच के एकदम नज़दीक है। बट ये खाने वाला नहीं रहेगा, ये जाहिर है। I don't know, ये खाते हैं कि नहीं है वो मुझे आइडिया नहीं है, वो यहाँ पे लोकली बता सकते हैं। बट ये मशरूम्स हैं, ये सारे मशरूम्स हैं। अभी मुझे पता नहीं कि एडिबल है कि नहीं। नहीं एडिबल नहीं है ये, लेकिन दिस आर मशरूम्स, खाओगे तो बेहोश हो जाओगे। तुमको कैसे मालूम? नहीं पॉइजनस होता है ना बहुत सारे मशरूम, हर मशरूम खाने वाले नहीं होते। हाँ मतलब मैंने वही बोल रही हूँ कि हमें नहीं पता है, बट कैसे पेड़ पे और वो गाय चारा जो होता है ना उसके ऊपर भी मशरूम सूखते हैं, तो वो गांव में बहुत लोग खाते हैं वो। ये है हमारा रिजॉर्ट और रिजॉर्ट का प्रिमाइस आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसके अंदर छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए हैं और इसमें 2 beds, 4 beds एंड 6 beds की अकोमोडेशन भी अवेलेबल है। हमारा रिजॉर्ट मुरूर बीच पे है जो दापोली में सबसे फेमस बीचों में से एक है। दोपहर को जब हम लोग आए थे तो सिर्फ हमें पानी ही पानी देखने के लिए मिल रहा था क्योंकि हाई टाइड की वजह से समुंदर काफ़ी सामने आ गया था, लेकिन अभी शाम का टाइम है और आप देख रहे हैं समुंदर काफ़ी दूर चला गया है। मुरूर बीच जो है फेमस है इसके ब्लैक सैंड के लिए और साथ ही में ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिल रहा है, तो बस और क्या चाहिए। ओके गाइस, सो आ गया हमारा लंच, हमने ऑर्डर किया है। सो ये है प्रॉन्स थाली, तो ये प्रॉन फ्राई है, राइस है और 2 types के करी, ये सोल करी और साथ में चपाती। और यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे पॉम्फ्रेट थाली है, इसमें एक पॉम्फ्रेट है और बाकी आते हैं कि ये सारे सेम है। 2 curry है, 1 sole curry, राइस और 2 chapati। अभी खा के देखते हैं कैसा है। कोंकण में आते हैं तो कोंकणी फूड हम जब भी आते हैं ये फूड हम लोग थाली को एक बार हम लोग ट्राई करते ही हैं, बहुत यम्मी होता है। इधर का फर्स्ट टाइम मैं खा रही हूँ तो देखते हैं खा के कैसा होता है। अच्छा है, फ्रेश और एकदम फ्रेश है। हाँ फ्रेश है और गर्म है ना, एकदम क्रंची ऊपर से और अंदर से एकदम जूसी है, मत अच्छा लगता है। ये दोनों करी सेम ही लग रहा मुझे तो, देखने में तो सेम ही है, छोटे छोटे प्रॉन्स हैं अंदर, बाकी मालूम नहीं। दोनों सेम ही है करी, टेस्ट अच्छा है लेकिन दोनों करी सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। खाना इतना महंगा नहीं है यहाँ का, लेकिन रहने का मुझे थोड़ा सा लगा हुआ प्राइस, क्योंकि अभी इस टाइम पे टूरिस्ट भी नहीं है और गणपति के लिए सब लोग छुट्टी पे हैं, जो भी यहाँ पे काम करते हैं वो सब लोग छुट्टी पे है, तो ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको कम मिलता है इस टाइम। मुरूर बीच पर डॉल्फिन व्यू पॉइंट भी है, तो बोट्स है जो आपको लेके जाता है बीच समंदर में और आपको दिख जाता है बहुत सारे डॉल्फिन्स। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप दापोली का प्लान बना रहे हैं तो कोई फेस्टिवल में मत आइएगा, जैसे गणेश चतुर्थी हो गया या दिवाली, इस टाइम पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स बंद होते हैं और ये सारी एक्टिविटी जो है वो भी बंद होता है। तो अगर आपको दापोली का प्लान बनाना है तो कोई फेस्टिवल छोड़ के प्लान बनाएं और आप कोशिश कीजिए दोपहर तक दापोली पहुंच जाने के लिए। यहाँ पहुंचने के बाद आप लंच करके रेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद शाम का ये मज़ा आप ले सकते हैं।
अगर आप दापोली का प्लान बना रहे हैं और आपके पास 2-3 दिन है, तो आप मुरुर बीच के साथ में और भी काफ़ी सारे बीच है दापोली में, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि हरनाई बीच, कार्डे बीच, लाडगढ़ बीच। हरनाई बीच पर फिश के ऑक्शंस होते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम, तो आप उसका भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे एंशियंट टेम्पल्स है, तो वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। हमारे पास एक ही दिन का टाइम था, तो इसलिए हमने सिर्फ मुरुर बीच एक्सप्लोर किया और साथ में और भी चीज़ें एक्सप्लोर की, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। ये बीच जितना शांत है उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये समुंदर की लहरें चीख चीख के कितना कुछ कहने की कोशिश में है, और ये डूबता हुआ सूरज ये आने वाली सुबह की तलाश में है, और इन सारी चीज़ों ने हमें बड़ा प्रभावित किया। आप लोगों को इस बीच की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये कमेंट करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलती हूँ आने वाले नेक्स्ट आंशिन महाराष्ट्र व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग ट्रैवलिंग बॉन्ग्स।